हेलो तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एंड यहाँ पर इस वीडियो में आज हम बात करना चाहेंगे विदाउट एटीएम कार्ड पासवर्ड प्रगट कैसे करें। जो आईएनबी होती है दोस्तों, उसका विदाउट एटीएम कार्ड आप पासवर्ड प्रगट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों। सर्वप्रथम आपको गूगल में लॉग इन होना है। एंड यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन SBI स्टेट बैंक ऑफ इस पर दोस्तों सर्च कर लेना है। एंड फिर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको उम्मीद देगा, यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग आ रहा है, इस पर दोस्तों लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू टू लॉगिन पे डेस्क टैप करना है। एंड फिर दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम स्लैश पासवर्ड आ रहा है, तो इस पर दोस्तों आपको टैप करना है। फिर यहाँ पर इसको दोस्तों थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर दोस्तों फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड आ रहा है, इस पर दोस्तों नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यूजर नेम डाल लेना है, अकाउंट नंबर, कंट्री नेम डाल लेना है। एंड आफ्टर दोस्तों मोबाइल नंबर, फिर दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, फिर यहाँ पर दोस्तों वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है ब्रांच विजिट वाला, इस पर दोस्तों टैप करना है। एंड फिर दोस्तों सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा होम पेज, तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक है टू फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों किसी भी ई मित्र पर जाकर आप प्रिंट आउट निकाल के आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करके ब्रांच में आपको दोस्तों सबमिट कर लेना है। एंड फिर दोस्तों आपका जो RP वाला नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर दोस्तों एक ब्रांच से जनरेट होगा। फिर दोस्तों इसी साइट पे आके दोस्तों आपको जो पासवर्ड है INB का वो दोस्तों यहाँ पर आके सेट कर लेना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।